हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीवीटी प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। उसका अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, उसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, और अगर आपका लो मार्क्स है फिर भी वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और 3 यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट का अपडेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला अपडेट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से, इनका जो है 2.1 मेरिट लिस्ट रिलीज किया जा चुका है, जिसे आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनका पेमेंट करने का आज लास्ट डेट है, और इसके बाद दो और मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप सभी इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा। अगर सीटें इसके बाद भी बचती है दो राउंड के काउंसलिंग के बाद भी, तो तीसरे राउंड का काउंसलिंग भी ओपन किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन का भी फिर से मौका दिया जाएगा। पिछले साल तक सेम यही हुआ था, इस साल भी अनुमान है कि यही होगा। अगला जो अपडेट है वो है आपका BBAU के तरफ से, जो कि लखनऊ में है। कई सारे स्टूडेंट को मेल जा रहा है उनका, अगर एडमिशन हो रहा है तो आप सभी अपना मेल चेक करेंगे। जो भी स्टूडेंट BBAU लखनऊ में रजिस्ट्रेशन किए हैं, काफ़ी सारे लोगों को मेल गया है, तो आप सब देख सकते हैं। ये है मेल का स्क्रीनशॉट, एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको मेल गया होगा अगर आप सेलेक्ट हुए होंगे तो। तो इसी तरह का मेल अगर आपके पास रिसीव हुआ है तो फटाफट अपना पेमेंट कर दीजिए, जो भी पेमेंट लग रहा है, क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बता रहे थे। अगर हम बात करें अगला अपडेट जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उसी लिस्ट में एक और चीज़ मेंशन है कि उनका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका आएगा 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त का वेट करेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखेंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ऑफलाइन होगा, और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जो कैंपस है रांची शहर में वहाँ जाना होगा। अगला जो अपडेट है वो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ पर अगर आप अभी तक वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी जो त्रुटि थी चॉइस फिलिंग में, अदर जो त्रुटियां थी, अदर जो एरर थे, उसके लिए आज लास्ट डेट बढ़ाया गया है। तो जो लोग भी BHU में रजिस्ट्रेशन किए हैं PG में, वो लोग साइट को देखते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और अगर कोई त्रुटि है लिस्ट में, अगर उनका नाम है, तो आज तक लास्ट मौका है, आप सुधार कर लीजिए। और जल्दी इनका जो मेरिट लिस्ट है वो भी रिलीज किया जाएगा, जो फर्स्ट PG का कटअप है वो भी रिलीज किया जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में 3 यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट, सॉरी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं उनका अपडेट। तो आज लास्ट डेट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का, तो जो लोग भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज लास्ट डेट है। अगर हम बात करें दो और यूनिवर्सिटी की, तो वह है असम यूनिवर्सिटी और नेहू, तो दोनों का जो लास्ट डेट है वो है आपका 30 अगस्त तक। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में आप 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 30 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। और सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका भी लास्ट डेट 30 अगस्त तक रखा गया है। तो ये तो थी आज के दिन का सारा अपडेट, जो भी अभी तक रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, कटअप से रिलेटेड जो भी अपडेट थी मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू।